The Wall of India is now gracing the Hall of Fame, but there is no Sachin Tendulkar. Do you know why? Hashtag Akashwani. और ये ना बड़ा सवाल है कि वो क्यों नहीं है, सचिन तेंदुलकर का नाम क्यों नहीं है? ये तो हॉल ऑफ फेम के लिए ही थोड़ा सा मिसफॉर्च्यून है कि उनका नाम नहीं है. उन पे आएंगे, बात करेंगे कि क्यों उनका नाम अभी तक वहाँ नहीं है. देर आर फाइव इंडियंस हु आर देर. राहुल द्रविड इज द लेटेस्ट एडिशन. देर इज सुनील गावस्कर, कपिल पाजी हैं वहाँ पर, बिशन सिंह बेदी हैं, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड को मिला के कुल हो गए पाँच. अब ये पाँचों खिलाड़ियों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू इंडियन क्रिकेट, टू वर्ल्ड क्रिकेट एक्चुअली, इट्स बीन इमेंस. रन अवे मैच विनर्स की बात करें, द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप, ऑफकोर्स श्री कपिल देव पाजी का नाम वहाँ पर है. सुनील गावस्कर साहब, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द 10,000 टेस्ट रन माउंटेन, सनी भाई का नाम भी वहाँ पर है. और नाम है अनिल कुंबले का, द ग्रेटेस्ट मैच विनर दैट इंडिया इज एवर प्रोड्यूस्ड, उनका नाम वहाँ पर है. बिश पाजी, दैट ग्रेस, दैट फ्लाइट, वो अलग थे उस जमाने में, उनका नाम भी वहाँ पर है. लॉर्ड ऑफ विकेट्स, काउंटी क्रिकेट भी बहुत खेले इंग्लैंड में. और राहुल द्रविड 24,000 इंटरनेशनल रन्स, बॉस उनको तो उनका नाम तो होना ही चाहिए. एंड यू नो व्हाट, जब सुनील गावस्कर साहब ने जब उनको वो कैप थमाई, जब ऑफिशियली इंडक्शन हुआ उनका तिरुवनंतपुरम में, तो सनी जी ने क्या बोला राहुल को, यू आर द कॉन्शियंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, और नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, यू आर द कॉन्शियंस ऑफ क्रिकेट. यानी कि आप इतने साफ हैं, इतने पाक हैं कि आपकी तरफ हमेशा देखा है भारत ने, वर्ल्ड क्रिकेट ने, फॉर मोरालिटी, फॉर एथिक्स, फॉर कीपिंग द स्टैंडर्ड्स हाई. मतलब कहते हैं कि अगर क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट सीखना है, किस तरीके से खेलना है, तो राहुल द्रविड का नाम वहाँ पर आएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि जब राहुल थे, जब सौरभ थे, जब वीवीएस थे, जब अनिल थे, सचिन थे, दैट वॉज द डार्केस्ट एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट. यानी कि 2000 में मैच फिक्सिंग, वहाँ से निकलना था, और वहाँ पे इन पांच छह लोगों ने मिल के मेहनत की और भारत को वापस ऊंचाइयों पे पहुँचाया, वेयर मैच फिक्सिंग इज नो लॉन्गर, नहीं मतलब आपके जहन में भी नहीं आती कि इतना बड़ा स्कैंडल ब्रेकआउट हुआ था जहाँ पे भारतीय खिलाड़ी भी शायद इन्वॉल्व थे. तो राहुल द्रविड साहब का नाम वहाँ पर है, बट देन सचिन का क्यों नहीं है, बिग क्वेश्चन. नो स्टॉप द प्रेस, अरे सचिन नहीं है, क्यों नहीं है? यार बड़े सिंपल सा लॉजिक है कि 5 साल होने चाहिए आपको रिटायर हुए हुए, मतलब कि 2013 नवंबर में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, नवंबर 2018, नाउ ही इज एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉल ऑफ फेम. और इसके लिए वोट कौन करता है? जो हॉल ऑफ फेम में पुराने, जिनका नाम ऑलरेडी है, दे आर द वंस हु वोट फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट. और इसमें मुझे तो कोई डाउट है नहीं, आपको भी डाउट होना नहीं चाहिए कि द मोमेंट दैट वोटिंग हैपन्स, सचिन तेंदुलकर इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ इंडियन टू बी इंडक्टेड इन द हॉल ऑफ फेम. तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पाजी का नाम आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल ना मीठा होता है. चलो आप करो लाइक, करो शेयर, करो सब्सक्राइब, करो कमेंट करो. ये वाली बात तो सबको बताओ यार, एवं जंगल की आग की तरह फैल रही है बात कि सचिन पाजी का नाम नहीं, अरे तेंदुलकर का नाम नहीं, तो हॉल ऑफ फेम किस काम का? आने वाला उनका नाम अभी आ जाएगा जल्दी.